नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर को लेके आपके बीच में हाजिर हैं। किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है और खेतों में लागत कैसे घटाई जा सकती है, इन सब बिंदुओं को लेके आज हम महाराजगंज में हाजिर हैं। हरि प्रसाद सिंह गौतम जो जीएम पद से रिटायर हुए हैं और किसानों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसानों की लागत को कम करने का काम कर रहे हैं, लगातार किसानों के बीच में बने हुए हैं और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पवन साहब, आपका बहुत बहुत मेरे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल है कि किसानों से आप कैसे जुड़े चुके अधिकारी थे? मैं कृषक परिवार में पैदा हुआ जी। पढ़ाई लिखाई मैंने बाहर किया जी, इलाहाबाद BHU जी, जैसे संस्थाओं से मुझे शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला जी। मैंने BHU से PhD किया जी, फिर सहकारी बैंक में कार्यरत रहा जी और GM के पद से रिटायर हुआ। रिटायर होने सर हम रोक रहे हैं आपको। रिटायर होने के बाद लोग मुख्यालय पे रहना चाहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहना चाहते हैं, तो ऐसे आपने गाँव को क्यों चुना? मैंने गांव को इसलिए चुना क्योंकि गांव से और खेती बाड़ी से मेरा जन्म से ही लगाव था जी। गांव की परिस्थितियां, गांव की नेचुरल वातावरण जी से हमेशा जो है मुझे आकर्षित करता रहा जी, इसलिए मैं गांव से जुड़ा रहा जी और गांव में अपना स्वयं भी एक प्रगतिशील किसान की तरह खेती करता हूँ जी और अच्छी प्रैक्टिस अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करता हूँ। अभी आपसे बात हो रही थी कि आपने बताया कि जो मशरूम का उत्पादन करते हैं उनके लिए आपकी कोई योजना है जिससे आप जोड़ करके इन व्यवसायियों की आप आमदनी बढ़ा सकते हैं कि लागत को बढ़ा सकते हैं, वो क्या है, कैसे क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी 10,000 FPO जी पूरे देश में गठित करने का एक अभियान चलाया जी। उस अभियान के तहत कप्तानगंज विकास खंड के लिए जी कप्तानगंज अभिनव फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गठित हुई जी। इस कंपनी का, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच मिलाकर उनकी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना, उनके सह खेती के साथ साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन जैसी जो कृषि से कृषितर गतिविधि है उससे जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ाना जी। संयोग से कप्तानगंज अभिनव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी मुख्य रूप से मशरूम उत्पादकों के लिए कार्य करने के लिए स्पेसिफाइड हुई है जी। मशरूम उत्पादकों की जो समस्या मैंने समझी है जी वो ये है कि मशरूम उत्पादन में जो लागत आती है वो ज्यादा है जी, उसको कैसे कम किया जाए इस पर 2-3 तरह से कंपनी काम करना चाहती है जी। और पहली चीज ये है कि मशरूम उत्पादकों को गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है जी, जिसे उन्हें महंगे रेट में खरीदना पड़ता है जी। इसकी लागत को कम करने के लिए जो सरकारी गौशालाएं हैं जी उनसे खाद की व्यवस्था कराई जा सकती है जिससे उनको ₹45,000 ₹800 बचत होगी जी। इसके अलावा जो अन्य अन्य उत्पाद करने में जो कृषि रसायन लगता है या खाद लगती है जैसे अल्मोनियम सल्फेट जी, ये सब मार्केट में प्राइवेट वेंडर बहुत महंगा देते हैं, ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए संस्था महाराजगंज बिहरा रोड पर जी एक बड़ा मेगा शॉप खोलने जा रही है जी, जिसमें खाद, बीज, पेस्टिसाइड, मशरूम उत्पादकों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उनकी उपलब्धता होगी और मशरूम उत्पादकों को की लागत में इससे कमी आएगी जी। सवाल मेरा ये है कि अगर मशरूम जो लोग लगाए हुए हैं अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो उसके नियम क्या हैं, क्या शर्त है? मशरूम उत्पादकों को कृषक होना चाहिए जी या किसी परिवार से जुड़ा होना जी। कृषक होने के लिए आवश्यक है उनके पास कुछ खेती हो जी, अगर खेती नहीं है तो बटाईदार हो, कृषक हो सकते हैं वो जी।
उनको संस्था का सदस्य बनना पड़ेगा जी। संस्था में शासन की ओर से जो व्यवस्था दी गई है जी, उसमें सदस्य जितना पैसा देंगे जी, उतना पैसा संस्था के लिए सरकार द्वारा भी मिलेगा जी, जिसकी उच्चतम सीमा 2000 रुपए है जी। कोई सदस्य अगर 200 रुपया जमा करता है संस्था में जी, तो सरकार 200 रुपया इस संस्था को और संतुल धनराशि देगी जी। छोटी धनराशि से भी वो सदस्य बन सकता है जी, और एक शेयर खरीद के भी वो शेयर बन सकता है। तो सरकार जो है किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। किसान भी अपनी लागत को बढ़ाने, लागत बढ़ती हुई देखते हुए तमाम गतिविधियां बना रहे हैं। अब परंपरागत खेती को छोड़ करके अब टेक्निकल खेती करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप जान पा रहे हैं कि मशरूम की खेती अब लगातार गाँव इलाके में तेजी के साथ बढ़ रही है, और मशरूम जो है किसानों की एक अच्छी आमदनी का जरिया माना जा रहा है। इसको लेके आपकी व्यवहारी हो, या आपका पायकपुर हो, आपका इधर का क्षेत्र हो, आपका कप्तानगंज हो, बिहरा हो, तमाम स्थानों पर ऐसे मतलब तमाम उत्पादक ऐसे हैं जो उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो आपका नंबर क्या है कि अगर स्वयं सहायता समूह के लोग जो उत्पादन किए हैं इसका, मशरूम का, या जो किसान कर रहे हैं, वो आपसे कैसे बात कर पाएंगे? वो हमसे, हमारा मोबाइल नंबर है जी 94-154 जी 81-574 जी। तो आपने जी इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जी, एक सिंपल सा फॉर्म है जी, उस फॉर्म को फिल करके वो संस्था के सदस्य बन सकते हैं। तो सदस्य बन जाने के बाद जी संस्था ये प्रयास करेगी कि उनको उचित प्रशिक्षण मिले जी, हॉर्टिकल्चर विभाग से उनको अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट अनुमान्य करती है तो सब्सिडी उन्हें प्राप्त हो, और कैसे वो उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं जी, लागत को और कम कर सकते हैं इस पर, या मार्केटिंग की जो व्यवस्था है जी उस पर भी संस्था काम करने के लिए जी अपना योजना बना रहे हैं जी। तो आपने देखा है कि इन्होंने रिटायर होने के बाद अब किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। किसानों की उन्नत के लिए इनका जो है एक संगठन बना हुआ है, उस संगठन के माध्यम से आप जुड़ करके नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि खासकर हम मशरूम पे काम कर रहे हैं, तो जो मशरूम की खेती करने वाले किसान हैं वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पे संपर्क करने के बाद आप इनके जो संस्था है उसका नंबर बनेंगे, और इनके द्वारा जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर कार्य करना होगा, तो निश्चित तौर पर आपके आमदनी बढ़ेगी और आपकी लागत भी कम आएगी। हम ऐसे आपको एक से एक लोगों से मिलवाते रहेंगे जो आपकी खेती संबंधी जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। बाबू साहब, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम। संस्था से जुड़िए, विश्वास की अपने पर विश्वास कीजिए, आप ही देश को, अपने को, देश को, समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर आप आगे आएंगे तो बहुत से हाथ आपके सहयोग के लिए तत्पर मिलेंगे।